हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मोनोटोशन। तो जैसा कि आप सबने टाइटल में देखा होगा, आज हम बात करने वाले हैं अल्काज़ार के ओनरशिप रिव्यू के बारे में। आप सबसे शेयर करेंगे इसका एक्चुअल ओनरशिप रिव्यू। तो मेरे साथ है इस गाड़ी के ओनर एडवोकेट गर्वित एंड नमित जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच, आपका भी हमें भी मौका मिला आपसे मिलने का और ऐसे रिव्यू देने का अपनी खुद की गाड़ी का। ओके सो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइए कि ये अल्काज़ार का कौन सा वेरिएंट है और आपको कितने का पड़ा ऑन रोड? सर ये है प्लैटिनम ऑप्शनल। ओके और ये है, हमें पड़ा है ऑन रोड हरियाणा के हिसाब से 22.75 के अराउंड। ओके ऑन रोड प्राइस। ओके ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो प्राइसेज है, जो हरियाणा के अकॉर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग प्राइसेज है। तो अगर आप किसी और स्टेट से गाड़ी खरीदते हैं तो डिफरेंट प्राइसेज हो सकता है। और ये भी बता दूं कि अगर आप हुंडई की गाड़ी खरीदना चाहते हो सिरसा के आसपास के एरिया से, तो डीलर का कॉन्टैक्ट जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये बताइए कि आपने यही वेरियंट क्यों फाइनलाइज किया? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये गाड़ी अवेलेबल थी, वी आर द फर्स्ट वन टू परचेज द कार इन द सिटी। ओके तो ये पहली गाड़ी थी, ये इनकी लॉन्च कार थी बेसिकली। इन्होंने फर्स्ट डे जब लॉन्च करी थी 18th June आई गेस, तो उस दिन इसी गाड़ी को इन्होंने लॉन्च किया था। बेसिकली वी वर लुकिंग फॉर 7-seater। ओके 7-seater का मतलब सेगमेंट हमारा SUV में 6-7-seater का था। तो जब ये गाड़ी देखी तो इसके बाद इस पर मन टिक गया और ये ले ली फिर उसके बाद। और यही गाड़ी हमने शोरूम से 22nd को परचेज कर ली। okay. वेट ही नहीं करा किसी का बुकिंग करवाने का और का, ये सेम डेट डिलीवरी ले ली हमने कार की। ठीक है, और मैं ये मानता हूँ कि आपने ये गाड़ी खरीदने से पहले काफी सोचा होगा, काफी वेट किया होगा, काफी अच्छी खासी रिसर्च करी होगी। लास्ट 6 months से हम गाड़ी के ऊपर एग्रेसिवली देख रहे हैं। लास्ट 1 साल से हमारा प्लान था कि गाड़ी लेनी है, लॉकडाउन के चक्कर में हम ले नहीं पा रहे थे। लॉकडाउन के चक्कर में कह लो या बेसिकली कार्स नहीं आ रही थी और हो रही थी, तो वो बस डिले हो रहा था, कार लेनी थी। तो हमने काफी कार्स भी देखी, जैसे सफारी देखी, जीप देखी, MG हेक्टर का शोरूम भी नहीं है तो भी हमने हिसार से स्पेशल यहाँ मंगवाई। ओके फिर उसके बाद ये जब आई तो हमें सेटिस्फाई हुआ, नहीं यार ये कार है हमारे लिए। तो इन्होंने पूरी रिसर्च करी हुई है और आपको बड़े अच्छा डिसीजन जो है इस वीडियो में मिल सकता है अगर आप कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है आपको। तो ये बताइए कि आप इससे पहले कौन सी गाड़ी चलाते थे? इससे पहले हम चलाते थे सनी, बेसिकली वो सेडान कार थी। हम लोग एडवोकेट्स हैं तो वो थोड़ा सा सेगमेंट हमारे लिए प्रोफेशनली सेगमेंट इज ओनली सेडान, तो इसलिए वो रखी हुई थी। फिर वो बस चेंज करनी थी, काफी टाइम हो गया था एंड नाउ हमारे पास भरना थी। ओके तो वो भी सेडान ही थी। ओके तो इसमें हम लग रहा था SUV में जाना है, थोड़ा चेंज करना है। न्यू ट्रेंड है अब की SUVs आर द न्यू अपकमिंग ट्रेंड, तो बस था कि अब SUV ही लेंगे, उसकी फील देखते हैं कैसी रहती है क्या है, तो इसलिए। तो आपने जब टेस्ट ड्राइव कंपैरिजन किया था, आपने बताया कि बाकी गाड़ियों के साथ जैसे टाटा सफारी, MG हेक्टर और बाकी गाड़ियों के साथ जीप कंपस, तो क्या आपको डिफरेंस लगा और फिर इसी का ही मन बना? सो बेसिकली पहले बात तो जो अगर सफारी को पहले मैं अगर लूँ, तो सफारी वॉज आर फर्स्ट चॉइस जब ये लॉन्च नहीं हुई थी। इसका लॉन्च भी डिले हुआ था आई गेस 2 महीना ड्यू टू लॉकडाउन ओनली, जो वेव आई थी सेकेंड। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ वेट कर रहे थे कि ये गाड़ी आ जाए, इसको रिव्यू देखकर हम लोग सफारी लेने वाले थे, कौन सी लेनी है, चॉइस करनी थी अब कौन सी लेनी है। तो सफारी हमारी ऑलमोस्ट डन थी, डन थी, तो उसके अंदर 7-seater वाला मॉडल हम लोग देख रहे थे, टॉप हैंड ही देख रहे थे हम, डीजल का ही, ये डीजल ही है कार ये। सो उसके बाद फिर इसको वेट करा, इसके उसकी हमने टेस्ट ड्राइव भी ली, उसको हमने चलाकर भी देखा, इवन हैरियर भी हमने कंसीडर करी, बट वो 2.0 है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये 1.5 है। तो एक तो इसकी वजह से माइलेज बढ़ जाती है, ऊपर से हैंडलिंग अच्छी हो जाती है, गाड़ी स्मूथ हो जाती है और लाइट हो जाती है। सिटी ड्राइव बहुत अच्छा मोड इसका है। okay. वो आप गाड़ी सफारी सिटी में नहीं चला सकते। ओके ऑफ रोडिंग में भी नहीं है, बट वो अपने सेगमेंट में अलग कार ही है इसको कंपैरिजन में देखा जाए तो। ओके उसकी हाइट ज्यादा है, उसके अंदर वेट ज्यादा है, उसके अंदर थोड़ी नॉइज भी इससे ज्यादा रहेगी। वो एक टाटा का अच्छी कार है, अल्टीमेट कार है, बट इट कांट बीट दिस अल्काज़ार ऑफ होंडा। फीचर्स वाइज तो बिल्कुल कम्पीट नहीं कर पा रही वो। तो मतलब ये सिटी और हाईवे सारा कम्बिनेशन मिला के आपको जो ड्राइव में ये बेटर लगी? बहुत बेटर लगी, वेरी कंफर्टेबल और वेरी स्मूथ ड्राइव। अभी हमें 1 month हो गया ड्राइव करते हुए, हमने अराउंड 2000+ चला दी, दिल्ली भी, हरियाणा उधर चंडीगढ़ भी, हमें कहीं इशू नहीं आया, पिकअप में कोई दिक्कत नहीं आई, फुल लोडेड कार थी हमारी, 4-5% गए थे चंडीगढ़, कोई इशू नहीं आया परफॉर्मेंस वाइज, पूरी पिकअप दी, प्लस एवरेज भी इसने अभी तो सर्विस हुई नहीं तो भी हमें 15 की एवरेज दे रही है ये, तो 15+ की आपको 15+ की एवरेज मिल रही है, तो एक्सपेक्टेड सर्विस वी आर एक्सपेक्टिंग 18+।
तो ये काफी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है माइलेज का जो आपने बता दिया. प्लस दिस इज एन ऑटोमेटिक वेरिएंट. ओके, अगर आप मैनुअल में जाओगे तो आई गेस और 2 का एवरेज आप ऐड कर सकते हो उसमें. ठीक है ठीक है. तो आपने बताया हाईवे पे फुल लोडेड कार, तो ओवरटेकिंग में आपको लगा ऐसा लगा हो कि गियर छोटा करना पड़ रहा है या नहीं? नहीं नहीं, कोई इशू नहीं आया परफॉर्मेंस वाइज. बहुत स्मूथली और बहुत अच्छी पिकअप है, जो हुंडई का नाम चलता है कि हुंडई की पिकअप है वो है इसमें. और इसमें वैसे भी टॉर्क बढ़ा रखा है क्रेटा से भी, जैसे क्रेटा में भी सेम इंजन है इसका, बट इसमें टॉर्क ज्यादा है, तो इसमें परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छा स्मूथ है इसकी चलने की ड्राइव. और बात करें जैसे चलाते हुए टर्न लेते हुए, ये जो हमारे ए पिलर्स हैं इनकी इनकी वजह से कोई विजिबिलिटी की दिक्कत ऐसा लगा? नहीं, ऐसा अभी तक कोई इशू नहीं है. बहुत अच्छी विजिबिलिटी है चारों तरफ से देख, मतलब. और पूरे कैबिन की बात करें, रियर सीट्स की बात करें, तो आपको एसी की परफॉर्मेंस कैसी लगी? एसी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, इवन उसको कम करना पड़ता है क्योंकि अभी तो नई कार भी है ये भी कह लो, बट एसी इसका अल्टीमेट है. हमने हुंडई पहले भी रखी, जैसे वरना हमने रखी थी तो उस टाइम पर भी हम सेटिस्फाइड थे इसकी सर्विसेज से और इनकी मेंटेनेंस से. एक तो मेंटेनेंस बहुत लो है एज कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स, और ऊपर से कोई इशू नहीं आया. इट मतलब 5 ईयर्स हमने, सेवन ईयर्स हमने वरना रखी थी, तो 5 ईयर्स के डाउन द लाइन हमें किसी चीज़ की भी प्रॉब्लम नहीं थी. वो तो बस गाड़ी चेंज करनी थी तो हमने कर ली थी, दैट्स इट. और एक बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन और जो काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी कंफ्यूजन भी होता है उसमें, कि कलर आपने कैसे फाइनलाइज किया और ये कौन सा कलर? वो ये बताएगा आपको. ऐसे कोई इशू नहीं है. एक्चुअली क्या है, हमारे पास पहले वरना थी वाइट कलर, सन्नी थी सिल्वर, तो इस बार हमने सोच रखा था कलर ही लेंगे. प्रोफेशनली मैं इसको व्हाइट कलर के लिए बोल रहा था, ये थोड़ा सा कि व्हाइट में जाना है सिल्वर में जाना है, बट मेरे को ये देखते ही पसंद आ गया. ये लॉन्चिंग न्यू कलर है, ये ना ब्राउन है ना ब्लैक, इसका नाम है टियागा ब्राउन. तो ये दिन में ऑलमोस्ट धूप में जब आप देखोगे तब आपको ये दिखेगा ब्राउनिश, और रात को जब आप देखो तो ग्रेइश दिखता है ये. मतलब इसकी रिफ्लेक्शन ऐसी आती है कि ग्रे कार, ग्रे कलर की कार दिखती है, तो ये कलर बहुत अच्छा लगा. ओके, प्लस इस गाड़ी, ये गाड़ी लॉन्च भी इसी कलर में हुई थी, तो वो एक अलग ही इम्पैक्ट दे रही थी, तो वो मजा आ गया गाड़ी को देखकर. उसी टाइम बस ये हो गया कि चलो यही लेंगे, मैंने वाइट फिर ड्रॉप कर दिया. ओके. और हाईवे पे आपने बताया कि आपने चंडीगढ़ भी आपका ट्रिप रहा है, तो आपको कभी ऐसा लगा कि यार थकावट हो रही है गाड़ी चलाते हुए, या पीछे वाली सीटों पे बैठे हुए किसी को ऐसा फील हुआ कि सीटिंग कंफर्ट जो है उतना अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, फुल कैप्टन सीट्स जो है ना ये अल्टीमेट है. बेसिकली हमने 7 सीटर छोड़कर 6 सीटर इसलिए लिए क्योंकि कैप्टन सीट ज्यादा कम्फर्टेबल होती है, प्रॉपरली आप बैठ सकते हो. ऑब्वियसली एक सीट बीच में से हटा दी गई है, उससे ये भी होगा कि जो लास्ट में भी जो बंदा बैठेगा ना वो कट ऑफ नहीं होता, वो आपसे पूरी मिल जाएगा, उसको लेग रूम मिलता है, देन उसको विजिबिलिटी मिलती है पूरी गाड़ी की. बल्कि सफारी से बैठने में यहाँ कंफर्टेबल ज्यादा है, उसमें भी 6 सीटर आते हैं जैसे. हाँ हाँ हाँ. तो उसका जो वेरिएंट है और इसका वेरिएंट में ये ज्यादा कंफर्टेबल है, इसके कुशन सीट्स और कैप्टन क्रू सीट्स. तो सस्पेंशन आपको इस गाड़ी के कैसे लगे ओवरऑल, कि काफी आपको ऐसा लगता है कि झटके जो है वो ज्यादा महसूस होता है बड़े खड्डे, या बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लेती है ये बड़े खड्डों को गाड़ी? पहले हम सोच रहे हैं कि एसयूवी ले रहे हैं कि तो पहले पीछे बैठने में कंफर्टेबल ना लगे, क्योंकि सेडान बहुत कंफर्टेबल होती है एज कंपैरिजन टू एसयूवी. बट इसमें कोई इशू नहीं है, सस्पेंशन बिल्कुल सही है क्योंकि आराम से आप कंफर्टेबली बैठे हो, कोई झटके की कोई दिक्कत नहीं है. प्लस आई गेस इसकी हाइट सफारी और हेक्टर से कम है, तो आप लो फील करते हो थोड़ा सा बैठा हुआ. तो जितने लो आप होते हो उतने आपके खड्डे और जितने भी आपके सस्पेंशन से अच्छे मूव करते हैं. और और आपने कभी ट्राई की होगी 100+ स्पीड पे? बिल्कुल. तो आपको ऐसा लगा कि बाहर से जो विंड शील्ड से हवा की जो नॉइस आ रही है वो ज्यादा है, या स्टेबिलिटी नहीं है हाई स्पीड पे? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं. मैंने अराउंड इसको 120 की स्पीड पे चलाया, 125 तक भी चलाया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. साउंडलेस कार होती है एकदम, जैसे अभी है वैसे ही साउंडलेस कार है, 100 की स्पीड पे भी, 125 की स्पीड पे भी. इवन मतलब जो ये कंपनी ने क्लेम किया है कि इसके अंदर सिर्फ जो आवाज़ है वो इसकी एयर प्योरीफायर की है, सो दैट इज़ ट्रू. मतलब अगर आप बिल्कुल शांति से बैठे हो ना तो आपको सिर्फ एक आवाज़ आएगी, वो इसके साउंड की, इसके हवा की. पता लग रहा है कि गाड़ी स्टार्ट भी है क्योंकि इंजन डीजल का बहुत बोल, बहुत स्मूथ है, बहुत स्मूथ है. ओके. और आपको बिल्ड क्वालिटी के बारे में कुछ फील हुआ अभी तक इस गाड़ी का? विंडो बंद करते हो, ओपन करते हो, जनरली जो एक पुराना तरीका है कि हाँ गाड़ी सॉलिड है, ऐसा कुछ? हैवी डोर्स लगते हैं, ऐसी बात नहीं है. इवन जब मैं बूट बंद करता हूँ तो प्रॉपर प्रेशर लगता है, मतलब लगता है कि कोई मैं हैवी कार या एक प्रीमियम कार को खोल रहा हूँ या बंद कर रहा हूँ. पूरी प्रीमियम फील आती है हर जगह पर, हर हर एंड पर. और म्यूजिक सिस्टम की बात करें तो टच एंड लैग लगा कभी? टच में कभी लैग है या अभी तक? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो बिल्कुल इशू नहीं आया. और गियर लैग्स वगैरह ऑटोमेटिक है, तो कभी ऐसा लगा कि गियर में लैग? बहुत स्मूथ है, बहुत स्मूथ है.
ओके, तो अब बात कर लेते हैं सबसे पॉजिटिव्स आपको इस गाड़ी के क्या लगे, सबसे अच्छी चीजें क्या लगी इस गाड़ी में? एक तो ये फीचर्स वाइज में किसी को भी बीट नहीं करती है इस प्राइस रेंज में। इस प्राइस रेंज में इसका मैं देखता हूँ ये क्लस्टर है सफारी का, हेक्टर का और जीप कंपस का। क्यों, इन्होंने यहाँ पर आपको एयर प्यूरिफायर भी दे दिया, साउंड सिस्टम भी आपको बॉस का इन्होंने दे दिया प्रीमियम, प्लस इन्होंने आपको जो ये वॉइस असिस्टेंट जो ऑफर करता है हेक्टर, तो इन्होंने ब्लूलिंक के नाम से दे दिया। आप इसको बोलकर ऑन ऑफ करवा सकते हो, अपना सारे ऑपरेशंस वॉइस कमांड पे चलते हैं, तो वो एक फीचर आ गया। दे दिया आगे पीछे, दो वायरलेस चार्जर इसमें दे दिए, सिक्स वायरलेस सिक्स चार्जिंग पोर्ट्स दे दिए, मतलब छह जने हैं, छह जनों को अपना अपना इंडिविजुअल पर्सनल कार चार्जिंग पोर्ट मिल रहा है। तो ये सब फीचर्स जो हैं और भी एंडलेस फीचर्स हैं, अभी मतलब मैं एक एक डिस्क्राइब करने जाऊं तो बहुत टाइम लग जाएगा, बट दो फीचर वाइज तो किसी को बीट ही नहीं कर सकती इस वे में, इस सेगमेंट में, इस प्राइस में, इस कार का कोई अभी तक तो नहीं है, और इसी कारण से ये कार हमने परचेज करी। और आपको क्या अच्छा लगा इसको? सर मेन इसमें है 360 व्यू कैमरा, जो अभी कोई गाड़ी में आता ही नहीं, मतलब आ रहा है बट इस सेगमेंट की गाड़ी में नहीं आया। जैसे आप ये देख सकते हैं मैं अभी 360 व्यू कैमरा ऑन कर रखा है, आपको आगे का व्यू दिख रहा है, ये आपको और क्लोज पता लग रहा है कि कहाँ आपको मुड़ना है, क्या है प्रॉपर आपको पता लग रहा है कि कहाँ आपकी कार चल रही है ऑन द वे। ये आपको साइड के पता लग जाएंगे, ये साइड व्यू आ रहा है पीछे का, ये आपको बैक व्यू, चलती हुई गाड़ी के अंदर बैक का व्यू मिल रहा है कि आपका डिस्टेंस कितना है कार के बीच में और मैं, तो ये बहुत अच्छा फीचर है। सेकेंडली इसमें जैसे एक और फीचर है, जब आप इंडिकेटर दोगे तो लेफ्ट साइड का इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। ओके, और अब जैसे आप राइट साइड का इंडिकेटर ऑन करोगे तो आपको राइट साइड के अंदर का इंडिकेटर ऑन हो जाएगा उसी के अंदर, क्योंकि कंप्लीटली डिजिटल मीटर, पूरा डिजिटल मीटर है, इसके अंदर ही आपको सारा व्यू मिल जाता है, आपको साइड मिरर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो ये फीचर्स, ये फीचर जैसे आप उसमें देख रहे हो गाड़ी जो आपकी चल रही है वो दिखती है। बेसिकली एसयूवी में क्या प्रॉब्लम आती है, आपको आपकी साइड्स नहीं पता चलती, आपकी गाड़ी बम्पर लग जाती है कई बार साइड से, तो ये जो फीचर है ना, इस फीचर से आप हमेशा गाड़ी अपनी सेव कर सकते हो। मतलब मैं तो गाड़ी अंदर करता हूँ, घर के बाहर करता हूँ, तो सिर्फ इसमें देखता हूँ, मेरे को साइड मिरर्स आगे पीछे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं इसमें देखता हूँ मेरी गाड़ी कहाँ जा रही है और वहाँ से मैं गाड़ी अपनी पार्क कर लेता हूँ। तो दिस इज़ अ अल्टीमेट फीचर, और जिसके लिए मैं मतलब इसको अलग से फ़ैन हूँ मैं इस फीचर का। तो ये बहुत ऐप चलती है, विदाउट लैग चलती है, रिकॉर्ड मतलब। तो ये जो आपको सबसे अच्छी, सबसे मतलब पॉजिटिव चीज़ लगी इस गाड़ी की? बहुत अच्छी, मतलब ये एक अल्टीमेट फीचर है जो बहुत, मतलब मैं कहता हूँ बहुत प्रीमियम कार्स में मिलेगा ये, अगर मिलेगा तो। ओके, मतलब पूरी तरह सेटिस्फाइड है इस गाड़ी से? यस, फुल्ली सेटिस्फाइड है अभी तक तो, मतलब कोई इफ एंड बट नहीं है। ओके, एंड कोई कमी आपको लगी हो कि शायद हुंडई को नहीं देनी चाहिए थी, ऐसी कमी कोई नेगेटिव लगा होगी इस गाड़ी में? अगर एक सजेशन है तो मतलब ये हो सकता है कि जो लास्ट की सीट्स जो हैं, लास्ट की टू सीट्स जो हैं, उन्होंने सीट्स का साइज थोड़ा छोटा रखा है। उससे बेसिकली क्या होता है, आपकी थाई सपोर्ट कम मिलता है आपको। तो अगर जैसे आई एम अराउंड 6 feet, तो मैं अगर सबसे पीछे बैठता हूँ, दो आई एम सीटिंग कम्फर्टेबली, और मैं बैठ के भी गया हूँ आराम से, मतलब गया हूँ, कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुई। बट आप जब लॉन्ग रूट पे जब जाते हो ना, तो आपको थाई सपोर्ट चाहिए होता है और एक बैक सपोर्ट सीधा चाहिए होता है, तो वो स्पेस थोड़ी कम हो जाती है। बट इन्होंने क्या करा, वो छोड़कर पीछे हमें बूट स्पेस दे दिया ट्रंक में, और थोड़ा दे दिया जो सफारी में नहीं है, जो सफारी में नहीं है वो बूट स्पेस इन्होंने देने के चक्कर में सीट्स को थोड़ा छोटा कर दिया। तो वो अगर सीट्स, क्योंकि एसयूवी कार के अंदर अब ट्रंक को बूट को कोई मायना देते ही नहीं हो, उसकी जरूरत है या नहीं है वो एक अलग चीज है, बट आप अगर वहां पर स्पेस कट करोगे तो सीट्स छोटी हो जाएंगी, कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो दो मेरे को यहाँ पर बूट मिल गया, एक डिग्गी मिल गई कि सामान थोड़ा बहुत रख के जा सकता हूँ, बट वो सीट्स अनकंफर्टेबल हो गई उस चीज के लिए। इसमें छोटे बच्चे तो आराम से बैठ सकते हैं, लेडीज बैठ सकती हैं जिनकी हाइट छोटी है, बट एक नॉर्मल 6 feet का पर्सन जो बैठ के अगर जाए तो उसको थोड़ी सी अनकंफर्टेबिलिटी, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करेगा वो थोड़ा सा। तो गाइज, हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपके लिए हर लेटेस्ट गाड़ी का ओनर रिव्यू लेके आए, और आपसे तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलेगा। तो ये था अल्काज़ार का एक एक्चुअल ओनरशिप रिव्यू, बड़े ही अच्छे से, बड़ा ही एक्चुअल जो है एक्सपीरियंस शेयर किया है दोनों ने। तो थैंक यू अगेन सर, आप सबका। तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के साथ। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।